Let's tell you about the politics, however, that's now peaking over the Congress manifesto, refusing to die down because the Prime Minister speaks about it in every single rally. Congress leaders now trying hard to counter their entire narrative as well ahead of the phase two elections. In the latest, Prime Minister Modi attacked Congress, claiming that the manifesto, the Congress manifesto, has a Muslim League imprint and that they want to do an X-ray of people's wealth and then snatch it. He stated that this is Congress's urban Naxal thinking to take away people's assets. Rahul Gandhi today has responded for the first time, hitting back at the Prime Minister and said that Prime Minister Modi, the BJP, is to blame for creating wealth inequality in India. He said that Modi is in panic mode ever since Congress has released its manifesto, and that's why he's constantly attacking the manifesto. BJP is now up to the ante. Massive protests were held in the national capital against the Congress manifesto, seeking the rollback of this document by the Congress. और जब उनका मैनिफेस्टो आया, उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में ये तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण होगा तो मेरे दलित भाई बहनों के लिए होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए होगा, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर भी है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे? नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे की का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए, देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अब सारे के सारे देशभक्तों को यह अच्छा लगना चाहिए। देशभक्त क्या चाहता है? देशभक्त देश में न्याय चाहता है। अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो, चाइना से मुकाबला करना चाहते हो, तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा। अगर आप 90% की शक्ति का प्रयोग ही नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि अगर 10 सालों के लिए इन्होंने कुछ किया होता जनता के लिए, जनता के जीवन में तरक्की लाने के लिए, मतलब कि आपका जो जीवन है उसमें जो महंगाई आई है उसको कम करने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, शिक्षा के संस्थान बनाने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए, तो आज ये मंच पर आकर ये डिस्कशन नहीं होता जो आजकल हो रहा है। आज का जो कांग्रेस इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सहयोगी दलों के जो घोषणा पत्र जारी हुए हैं,
उस घोषणा पत्र को देख करके हम कह सकते हैं उनका पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस पर आधारित क्यों नहीं बन पाया था, क्यों इनकी योजनाएं पिक एंड चूज की थी, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देने का कार्य क्यों। कांग्रेस की मंशा और इंडी गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना और इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं, इसके लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। Ask him to point out one paragraph in the manifesto which will lead to the conclusion that we're appeasing any section. We recognize that there is social divisions in this country, there is social inequality in this country, economic inequality in this country. And we are saying that we will bring justice to every section of the people. Bringing justice to every section of the people, if that is considered appeasement, so be it. We are bringing justice to every section of the people. आपके माध्यम से वाकई में दिल से थैंक यू मोदी जी बोलूंगी। आपने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करके, झूठ बोल के, मनगढ़ंत कहानियां रच के हमारे मैनिफेस्टो को तो घर घर तक पहुंचा दिया। हर व्यक्ति हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहा है, अमेरिका में भी लोग पढ़ के कह रहे हैं वाह क्या गजब मैनिफेस्टो बनाया। यहाँ का युवा पढ़ रहा है, मैं टीवी पर देखती हूँ आपके जैसे पत्रकार जाके मुर्दन पत्रकार पूछ रहे हैं, लड़के लड़कियां बुजुर्ग कह रहे हैं हाँ कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, बहुत बढ़िया है, बहुत क्रांतिकारी है। तो थैंक यू मोदी जी तो बनता है ना, हल लगे ना फिटकरी, रंग चोखा भी।